बीते वर्ष 12 अगस्त को कोटरूपी में हुई भीषण त्रासदी को एक साल पूरा होने वाला है, लेकिन शासन और प्रशासन अभी भी सोया हुआ है, जिसके चलते समाज सेवी संजय शर्मा ने कोटरूपी पहुंचकर हिमाचल प्रदेश के 68 विधायक और 4 सांसदों के पिंडदान किए। उन्होंने कोटरूपी घटनास्थल पर बीते वर्ष भूस्खलन की चपेट में आए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन भी किया। समाज सेवी संजय शर्मा ने कहा कि कोटरूपी हादसे को एक साल पूरा हो गया, लेकिन इस हादसे से सताए हुए लोगों को सरकार और प्रशासन की तरफ से आज दिन तक कोई सुविधा नहीं दी गई। जो परिवार इस हादसे से बेघर हुए हैं वो आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं, तो वहीं औरों के परिवार अभी भी सरकारी आवास में झुंड की तरह रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या सरकार और प्रशासन हादसे होने का इंतजार करती है, उससे पहले क्या उनका कोई भी दायित्व नहीं बनता। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ लोगों से वादे करती है, लेकिन इनके वादे उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन वो वादे करते हैं। आज सरकार के वायदों को एक साल हो गया, उन्हीं वायदों को लेकर सरकार के विधायकों और सांसदों का पिंडदान आज कोटरूपी में किया गया। आज आप कोटरूपी में आए, किस मकसद के साथ आप यहाँ पे आए, क्या आपने किया यहाँ पर? देखिए सर, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोटरूपी एक ऐसी जगह है जिसमें पिछले साल शायद आज के दिन एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ी पहाड़ी खिसकी थी जिससे एक पूरा का पूरा गांव जो है उसकी चपेट में आ गया था। तो तब जब चपेट में आया था तब सरकारों ने वायदे किए थे उस गाँव वालों से जिनके घर जुड़े थे कि आपको ज़मीन दी जाएगी, आपको स्थापन किया जाएगा यहीं पर, लेकिन आज इसको पूरा एक साल हो गया है, आज तक उन लोगों को कोई भी मदद नहीं मिल पाई है, तो इसी वजह से हम लोग आज यहाँ आए। क्या किया आपने? सबसे पहले तो सरकारी वायदों का हमने श्राद्ध छुड़ाया है, हमने प्रिंट तो एक ही किया है लेकिन वो 71-72 लोगों के नाम एक प्रिंट दिया है, प्रिंटदान किया है, क्योंकि वायदे जो होते हैं सरकारों के वायदे जो होते हैं जिस दिन वो वायदे करते हैं उसी दिन मर जाते हैं। तो जिसने हादसा हुआ था सरकारों ने वायदा किया था वो वायदा उसी दिन मर गया, उसका एक साल हो गया, तो एक साल का हम वार्षिकी यहाँ पर यह बारकी जिसको बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। हाँ, दूसरा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि सरकारें क्या हमेशा किसी हादसे के होने का इंतजार करती हैं क्या? यहाँ से नीचे एक बंद क्या नाम जी वो गांव है, कम से कम 12 या 14 परिवार हैं यहाँ पर, वो लगभग सभी खतरे की जद में, आप ये यहाँ से पीछे देखिए ये जहाँ भी हम लोग खड़े हैं अब इसके नीचे पानी बह रहा है, ये जगह भी कभी भी खिसक के गार्ड के रूप में गाँव पर घुस सकती है। वो लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारा कुछ करो, हमारे को इससे बचाओ, तो क्या ये जब गांव वहाँ गाँव वालों के घरों में चली जाएगी तब सरकार कुछ करेगी? कोशिश करे सरकार की, पहले उनका उनकी भी मदद की जाए उन लोगों की। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने अभी यहाँ दो महिलाओं से आपने अभी खुद भी बात की है कि पिछले साल जब हादसा हुआ उसके बाद सर्दी का सीजन आया तो नेचुरली ये लोग अपना तो सब कुछ गंवा चुके थे, जो उनके घरों में तो उजड़ चुका था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये लोग भीख मांगते, मेहनत करके कमाने वाले लोग थे, पहले भी अपने जीवन जो है गुजर बसर कर रहे थे। जब वो दो महिलाएं कोई यहाँ प्रशासन एसडीएम साहब के पास जाती हैं और वहाँ अपनी मजबूरी बताती हैं कि भैया हमें सर्दी लग रही है और हमारी कोई व्यवस्था कर दीजिए, तो एसडीएम साहब का जवाब होता है कि वो जो 48 लोग मरे हैं क्या उनको सर्दी नहीं लगनी है? अब प्रशासन सहानुभूति देने की बजाय या इनके साथ सहानुभूति रखने की बजाय इनको धुतकारता है वहाँ पर, ये गलत है, प्रशासन सुधरे। नहीं, फिलहाल तो मुझे पता ही अभी, मतलब हम लोग अभी इस मामले में बीच में पड़े हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी टाइम से पहले बताते रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। एक बार जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो स्थानीय लोगों ने हमें बताया यहाँ रुके, तब हमने सोचा कि हम इस मामले में खुद हस्तक्षेप करेंगे और खुद इनके मदद करने की कोशिश। आगे क्या कोशिश रहेगी आपकी? कोशिश ये है अगर सरकार जल्द से जल्द नहीं करती है तो मैं सभी परिवारों को लेकर डीसी ऑफिस के दफ्तर के सामने बिठा दूँगा, वहाँ बिस्तर लगा दूँगा इनके। ठीक, हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पदर से ललित ठाकुर की रिपोर्ट।